दोस्तों ये कोरोना वायरस चीन से अब भारत भी आ चुका है और इस कोरोना वायरस की एंट्री उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली भारत के कई राज्यों में हो चुकी है। चीन से फैला ये जानलेवा वायरस अब बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ 11 देशों में फैल चुका है, जिसमें अमेरिका और दुबई जैसे देश शामिल हैं। ये कोरोना वायरस एक आम बीमारी की तरह ही है, जिसमें कोरोना वायरस के ये लक्षण नजर आए वो इसे नजरअंदाज ना करें। कोरोना वायरस सांस से संबंधित इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसके लक्षणों में नाक का बहना, गंभीर खांसी का आना, गले में खराश और बुखार शामिल है। आप इस बुखार के आने को एक आम बुखार समझ सकते हो, लेकिन अगर दवाई लेने पर आपका बुखार ठीक ना हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। हो सकता है इस बुखार का कारण कोरोना वायरस हो। इस वक्त इस कोरोना वायरस की वजह से बुखार भी काफी तेजी से फैल रहा है। अगर आपको लगे कि ये कोई सामान्य बुखार नहीं है तो आप लैब टेस्ट जरूर करवाएं। इस वक्त किसी भी व्यक्ति को बुखार आने पर कोई भी व्यक्ति दवाई लैब टेस्ट कराने के बाद ही ले। निमोनिया, फेफड़ों में सूजन और अस्थमा का बिगड़ना भी इस कोरोना वायरस के लक्षण हैं, जिसमें नाक, गले का टेस्ट और ब्लड टेस्ट होंगे। अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन आपकी सांस की नली में और फेफड़ों में पहुंच गया है तो ये निमोनिया का कारण बन सकता है, खास उन लोगों में जो बूढ़े हैं और जिन्हें दिल की बीमारी है या फिर जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। ये बीमारी उन लोगों को तेजी से लगती है जिनका दिल कमजोर है, जिन्हें सांस संबंधी कोई बीमारी हो, जिनका लंग्स कमजोर हो, और इस तरह की बीमारी 40 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को होती है। जिस किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम हो या निमोनिया हो तो वे व्यक्ति मास्क पहने, नहीं तो ये बीमारी दूसरे व्यक्तियों में फैलती जाएगी। और वे व्यक्ति भी मास्क पहने जो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जिसे खांसी या जुकाम हो। इस वक्त सभी लोग घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें, क्योंकि ये कोरोना वायरस आपके सांस के जरिए से आपके शरीर में फैलता है। जिसको खांसी या जुकाम हो वे व्यक्ति बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुए और बार बार अपने हाथ साबुन से धोता रहे। चीन के लोगों में ये वायरस जानवरों से फैला है। ये बीमारी पहले जानवरों में थी और चीन के लोग कुत्ते का मीट, बिल्ली का मीट, सांप का मीट, चिड़ियों के घोंसले का सूप और चमगादड़ों का सूप बड़े चाव के साथ पीते हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि ये बीमारी चमगादड़ों से फैली है और चीन में चमगादड़ों का सूप बड़े चाव से चीनी लोग पीते हैं। चीन में तो ये बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है। चीन में फैले इस कोरोना वायरस को वुहान वायरस भी कहा जा रहा है। इस वायरस को लेकर अब सभी देशों में सतर्कता बढ़ती ही जा रही है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये ऐलान किया है कि अब उत्तर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड बनाने के ऑर्डर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जगह जगह पर स्वास्थ्य संबंधी कई कैंप लगाए हैं, जिसमें हर व्यक्ति की जांच की जाएगी कि किस व्यक्ति के अंदर ये कोरोना वायरस फैला है। भारत देश की राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और कोलकाता हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। चीन और हांगकांग से लौटे यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा। हवाई अड्डों पर उतरे सभी यात्रियों की काफी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि ये वायरस तेजी से ना फैले। चीन में फैला ये वायरस अब चीन की सीमा को पार कर चुका है। दोस्तों अब आपको जागरूक होने की जरूरत है। दोस्तों आप इस वायरस को कोई मामूली वायरस ना समझें। इस वक्त कई हजार लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी बड़ी ही तेजी से फैलती जा रही है। दोस्तों दरअसल ये बीमारी सबसे पहले 1960 में आई थी, लेकिन तब ये कोई नहीं जानता था ये वायरस कहां से आया है। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट सिर्फ इतना ही पता लगा पाए हैं कि ये बीमारी जानवरों से फैली है और ये बीमारी इस वक्त जानवरों में भी बड़ी ही तेजी से फैल रही है। लेकिन इस बात का साइंटिस्ट अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं कि इस बीमारी की असल दवा क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ये बीमारी इसीलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि इस बीमारी की दवा अब तक कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं खोज पाए हैं। सिर्फ इस बीमारी से बचने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने कुछ सावधानियां और कुछ चीजों से परहेज बताया है। इसीलिए हर व्यक्ति हमारी बात को अब गौर से समझें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों से भी बताएं। नंबर 1, किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ जैसे
कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कुल्फी इस तरह की चीजें खाने से परहेज करें। नंबर 2, बंद पैकेट में मिलने वाली चीजें जैसे चिप्स, टॉफी, कुरकुरे इस तरह की चीजें ना बच्चों को खिलाएं और ना खुद खाएं। नंबर 3, किसी भी प्रकार के बंद डिब्बे का भोजन ना करें जो 48 घंटों से बंद हो। नंबर 4, सील बंद दूध यानी पैकेट में मिलने वाला दूध ना पिएं और दूध से बनी हुई मिठाइयां जो 48 घंटों से पहले की बनी हो उसे ना खाएं। नंबर 5, किसी भी चीज का मांस ना खाएं क्योंकि जानवरों से ही ये बीमारी इंसानों के शरीर में फैल रही है। इन चीजों का परहेज आप तब तक करते रहें जब तक ये बीमारी पकड़ में ना आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आप कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन या गर्म पानी से बार बार धोते रहें। खांसते वक्त, छींकते वक्त नाक और मुंह को किसी टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें क्योंकि छींक से भी ये बीमारी फैल रही है, और घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकलें। दोस्तों, हमने ये वीडियो सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए, आपके बचाव के लिए